हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक एडवेंचरस ट्रिप पे। तैयार हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो व्लॉगिंग हमने अभी व्लॉग बनाना अभी शुरू किया, थोड़ी लेट ना, तैयार व्यार होके सामान वामान पैक करके जो भी सामान है कुछ गाड़ी में रख दिया ऑलरेडी, कुछ मेरे पीछे बैग है इसमें है, और अभी निकल रहे हैं, जा रहे हैं बेसिकली हम कैंपिंग के लिए। दिस इज़ द थर्ड टाइम वी आर गोइंग फॉर कैंपिंग, और क्या रहता है कैंपिंग का प्रोसेस और कैसा रहता है उसका पूरा, क्या बोलते हैं उसको, कच्चा चिट्ठा। वो भी आप देखेंगे हमारे साथ। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, जैसा मैंने बताया हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। कैंपिंग के लिए एक्चुअली दिस इज थर्ड टाइम वी आर गोइंग, मैंने पहले बता दिया है, इसमें बार बार बताता रहता हूँ, क्या दिक्कत है, भूल जाता हूँ ना मैं खुद भी। तो बेसिकली हम जा रहे हैं अलका बीच, जो कि फुजेरा में, जो यहाँ से दुबई से हमारे घर से कुछ 126 किलोमीटर दूर है। सो बेसिकली वो सी साइड पे है, सी साइड पे कैंपिंग करेंगे बेसिकली। सो ये प्लान है अभी के लिए। तो अभी तो निकल गए हैं यहाँ से, सामान सारा डिग्गी में भर लिया है, और अभी आप देखो रास्ते में क्या कुछ आता है, बाकी वहाँ जाके आपको कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे, दिस इज़ द सेम रोड जो हम पहले गुप्ता जी के घर जाते थे, ये वाली नेक्स्ट एग्जिट जो आ रही है, ये एग्जिट लेके गुप्ता जी के घर जाते थे, बट गुप्ता जी जो है वो अबू धाबी शिफ्ट हो गए हैं। सो इसलिए अभी तक हम गुप्ता जी से मिल भी नहीं पाए, क्योंकि अबू धाबी जा नहीं सकते। इफ़ यू आर इंटरनेशनल ट्रेवलर, एटलीस्ट फॉर 10 days यू कॉन्ट ट्रेवल टू अबू धाबी, इन केस अगर कोई घूमने आ रहा है, सो यू गाइस शुड कीप इन माइंड कि 10 दिन तक आप अबू धाबी नहीं जा सकते, 10 दिन तक आपको दुबई में क्वारंटीन करना पड़ता है। ये गाना हमारा दोस्त गाया करता था, एक मतलब अभी भी गाता होगा, साथ में गया था हैदराबाद में, था करण लतवाल, वो बहुत बढ़िया गाता है, हम खुद भी उसके फैन हैं। ओरिजिनल से वो ज्यादा बढ़िया लगता है। सही आदमी है, मस्त आदमी। जी आपके सामने एक अबेंडन प्लेन। एक्चुअली अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, नॉट पिछला, एक फुजेरा वाला, उसमें भी ऐसे रास्ते में एक अबेंडन प्लेन खड़ा था जब हम फुजेरा ट्रिप पे गए थे, यहाँ भी ये खड़ा है। इसकी हिस्ट्री में नहीं पता अभी तक ऑब्वियसली, बट वी विल चेक, विल फाइंड आउट एंड विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फुजेरा वाले ट्रिप में भी क्या हुआ था, तब भी हमें ऐसे एक प्लेन दिखा था रास्ते में खड़ा हुआ, उसका भी बाद में गूगल करके मैंने लिंक डाला था, उस वाली ट्रिप का लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखो। काफ़ी लेट निकले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आइडियल जो प्लान होता है अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप जहाँ कैंपिंग करने वाले हैं यू शुड रीच देयर बाय मैक्स बाय 4-5, बेसिकली सनसेट से 1.5 घंटा तो पहले पहुँचना ही चाहिए आपको।
जो भी हमने लास्ट टाइम्स करी है हमेशा हम दो तीन बजे पहुंच गए हैं। पर और इस बार काफी लेट लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी मैप्स में बता रहा है कि हम कुछ 6:30 बजे पहुंचेंगे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक सनसेट टाइम, और टेंट वेंट लगाने में टाइम लगता है आफ्टर सनसेट, आराम से वो सब सेटअप करने में 1 घंटा लग जाता है। अभी आप देखोगे अंधेरा हो जाएगा आई फील, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट। यस, सो दिस इज हाफ ऑफ आवर टीम बेसिकली। सो अभी हम रुके यहाँ पर चाय पीने के लिए एंड चाय ब्रेक लेके हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, सो आई गेस वी आर टू लेट। फाइनली हम लोग पहुंच गए, काफ़ी लेट हो गया, ऑलरेडी अंधेरा हो गया, ऊपर से मैं गलत रास्ते पे भी चला गया था, वहाँ से अश्विन ने कॉल वॉल किया तो समहाउ वी मैनेज टू कम। सो पहली चीज़ आते ही लाइट का इंतजाम हो रहा है, अश्विन कर रहा है, बस लाइट के बिना तो टेंट वेंट लगाने थोड़ा मुश्किल काम आ गया। हमारी मैनुअल खो गई पर सीडी है भाई साहब, मोटे हमारे वाले में तो कागज वाली मैनुअल आई थी। अब आपको जादू दिखाएंगे। सबसे इजी प्रोसेस इसी का है, बाकियों के तो भाई मेहनत के काम है। और ये गुन्ना मरिंडी जी ने जोर से ऐसे किया और टेंट खड़ा हो गया, वाह क्या बात है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अब देखेंगे जो मैनुअल वाले टेंट है जो हमारे पास है उसको लगाने में कितनी मौत आती है। जी तो मैंने टेंट लगाने में बेसिकली इतनी मेहनत लगती है, सो मोर पीपल हैव जॉइंड अस। आग लगा दी गई है, काफ़ी होनहार बालक हैं यहाँ पर, 3-4 दो ही टेंट लगे हैं, 3 एक्चुअली, और बाकी लोग चेयर लेके अपनी अपनी बैठ गए हैं। है नहीं वैसे जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए थे ओवर द टॉप, बट देर इज नथिंग। ठंड है क्या भाई? नहीं। इज देर एनी कोल्ड? नो कोल्ड। सो दिस इज हाउ द होल एरिया लुक्स लाइक, दिस इज आवर टेंट, द वन लाइट यू सी इन द सेंटर, देर आर मोर। काफ़ी लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग तो परमानेंटली ऐसा लगता है यहाँ हो गए सेटल, बिकॉज दे हैव द होल सेटअप लाइक पूरा एकदम कैरवन टाइप से पूरा अरेंजमेंट लेके। हैं कौन क्या लेके आया? हमने दिल्ली से कवर तो उसका ले लिया आईफोन 12 प्रो का, और अब पसंद वो आ रहे हैं 12 प्रो मैक्स। ये भी जीवन में कन्फ्यूजन है। ओके यार स्प्लिटिंग इन टू, दैट्स इट। ओके अलग कर, दैट्स इट। ओके भूल जाओ यार, अब तो नींद आ गई। ओके यार अब तो नींद आ गई। गर्ल्स का नाम क्या है? लड़की सहेली सच्ची दोस्त।
2 hours later. निकल जा मोटे बाहर निकल जा अब. ये सुबह होने के बाद शक्लें कुछ इस प्रकार से दिखती हैं. परेशान. ये सामान सारा वहां तक लेके जाना है. बस फर्स्ट पार्ट ही फन होता है. ये जो सेकंड पार्ट है ना रैप अप वाला, ये बहुत दुख भरा है. शाबाश शाबाश, तेज तेज हाथ चलाओ. तूने फोटो तो खींची नहीं यार मोटे सुबह उठ के. कहाँ कोई नहीं, मैं तो उजाला तो हो गया. सलमान भाई रात को आए नहीं तेरे टेंट के पास? बार बार गाड़ी की आवाज आ जाए, चढ़ा ना दे कहीं. सो दिस वाज आवर टेंट बेसिकली. पास से ही मार जा. अरे बा, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हमने रात को अपने लिए किया. नीचे एक लेयर, ऊपर वाली लेयर यहाँ पैक हो रही है. सराना हम साथ में लेके आए थे अपना. यात्री अपना अपना सामान ढो के ला रहे हैं गाड़ियों तक. एकदम थकी हुई हालत में उठते ही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई एक्चुअली सुबह उठते ही. कैसा लग रहा है भाई? दे दे. गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार, अभी तो मिट्टी में चला भी नहीं जा रहा. अभी मैं एक बार के लिए आपको यहाँ चारों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ. कल से ऐसा कुछ मैंने चारों तरफ का रिकॉर्ड नहीं किया, कल बहुत लेट आए थे और रात को भी कुछ ऐसा ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाए, यू नो, ध्यान सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए. तो दैट्स हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक इन द डे. सारा यात्रियों ने अपना अपना सामान गाड़ी में डाल लिया और अब सारे यात्री एक एक करके निकल रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं. हेलो गाइस, तो इट्स क्या टाइम हो रहा है मोटे? इट्स 8 नहीं, आई गेस 8, इट्स अराउंड 8 पीएम ऑन सैटरडे बेसिकली. सो दोपहर में हम लोग आ गए थे कैंपिंग से, बट वी आर सो टायर्ड एंड मैं कुछ भी, मैंने कहा सो जाओ, नहा धो के अपने तो सो गए, तो कुछ भी नहीं किया. एनीवेज, सो अभी तक आपने जो देख लिया दैट वाज आवर कैंपिंग सीन. आई रिकॉर्डेड व्हाटएवर आई कुड, सो इट्स नॉट इन वेरी डिटेल, बट हाँ थोड़ा वो जो भी था वो आपने देख लिया होगा. मीनवाइल कैंपिंग के लिए आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. यू शुड नेवर गो इन अ कैंपिंग प्लान विदाउट गुड इनफ यू नो प्लानिंग. सो एनीवेज, वो सब कंसिडर करते हुए जो भी लिस्ट रहती है जनरल कैंपिंग का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो इन केस समवन इज प्लानिंग टू गो फॉर अ कैंपिंग, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट एंड टेक सम गाइडेंस फ्रॉम इट, अगर आपको लगता है वो किसी तरह आपके काम आ सकती है. और ये व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ. और अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो आपके किसी जानने वाले को ज़रूर पसंद आएगा. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.